कि आप लोगों का भी पीटीएस फोन ब्लॉक हो गया, यानी कि आप लोगों की आई में आपको ब्लॉक हो गया। एमरजेंसी कॉल आ रहा है, जैसे मैं भी यहाँ से इसको बताऊँ, यहाँ पर से मेहमान यहाँ पर एमरजेंसी कॉल है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, क्या सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो वाईफाई चाहे आप लोगों टेंशन नहीं देंगे, वाईफाई का नेट कैसे शो है ऐसे जो है वो ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले आना है पीटीआई अप्रूव लिखना है, और उसके बाद तो टिप्स लिख देना है, ठीक है। जो सामने आप लोगों के सामने एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप लोगों ने गूगल पर जाकर जस्ट लिखना है, और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने जस्ट अगर आप लोगों को कुछ नहीं मिलती तो आप लोगों ने पीटीआई लिखना है तो आप लोगों को पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सर्च कर लीजिए बॉक्स है आपको, यहाँ पर लिखेंगे पीटीआई तो आप लोगों को पोस्ट मिल जाएगी। तो मैं अभी पीटीआई लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन जो भी है पीटीआई की वो हम लोगों ने फिल कर दिया, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो यहाँ पर आपको दे सकते हैं पोस्ट किस तरह की होगी, ठीक है। पीटीआई अप्रूव फोन ब्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोन की जो प्रॉब्लम है, आपको आपका फोन अगर पीटीआई से अप्रूव है मगर फिर भी ब्लॉक हो गया, तो उस तमाम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर आप लोगों ने अपनी कंप्लेंट का फॉर्म देखना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इनका फोन नंबर जो हेल्पलाइन है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसको आप लोगों ने ओपन अ न्यू टैब पे क्लिक करना है, ठीक है। ओपन अ न्यू टैब पे इसके ऊपर क्लिक करके एंड ओपन अ न्यू टैब, ओके। सो आप लोगों को ये अगले टाइप में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देनी है, जैसे आपका सीएनसी हो गया, उसके बाद उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर आप लोग अपनी आईएमई डॉट के भी चेक कर सकते हैं, आईएमई चेक कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने इनकी कंप्लेंट कर देनी है कि भाई हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उस पेज का भी लिंक आप लोगों को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप लोगों ने जाकर सिर्फ अपनी ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर इस तरह का पेज होगा, तो आप लोगों ने वो भी फिल कर देनी है। तो उसका भी लिंक मैं दे दूँगा, यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट जाकर अपना मतलब फर्स्ट नेम लिख लेना है, ठीक है। सीएनसी लिख देना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख देना, ईमेल एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड, एंड उसके बाद उन्हें सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद। और एक और तरीका भी है जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ मेल के जरिए, वो भी एक तरीका अच्छा है, उसकी अगर आप लोगों को जाननी है इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा इससे भी अच्छा है, तो उसको भी अगली वीडियो में मैं कवर कर दूँगा, ताकि वो तरीका जो बेस्ट है इससे भी ज़्यादा, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप लोग ये तरीका तो यूज़ कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।